हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन अ सेट, मतलब कोई ऑन सेट पे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। उसमें पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज, जो यूनियन होता है वो ए यूनियन बी से, यू से डिफाइन किया जाता है। ए यूनियन बी, जो उसमें एलिमेंट होंगे एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे सारे एलिमेंट्स, ये जो एक्स होंगे, यूनियन जो होगा, या तो वो ए में होंगे होगा या बी में होगा, किसी ना किसी में उसको होना होगा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये यूनियन भी डिफाइन किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए लिया ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी बराबर 2 3 4 6, तो ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4 एंड 6। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 लिखें, उसके बाद 2 3 4 6 लिखें। 2 3 4 पहले से इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको लिखेंगे नहीं, तो 1 2 3 4 6 इसके एलिमेंट हो गए। अब फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, यूनियन की, वो है हमारे पास, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको फ्रेंड्स हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। यूनियन को क्या होता है, यूनियन जैसे ए है और बी है, ये ए है और ये बी है, तो फ्रेंड्स जो ये पूरा सेट जो होगा, ये सेट, ये यूनियन होगा। इसमें हमारे पास ये एलिमेंट भी आ गए, पूरा एलिमेंट जो होगा ये होगा हमारे पास यूनियन। अब फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या कह रही, क्या कहती है, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि हमारे पास ये जो है ये इसका पूरे का सबसेट होगा। क्लियरली फ्रेंड्स, सबसेट होगा क्योंकि ये पूरा है और ये इसमें सिर्फ हमें इसको लेना है, तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इस तरह ए यूनियन फाइव, फाइव क्या है एम्प्टी, तो ये सॉरी ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ये होता है ए, जो कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। थर्ड होता है ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, ये आइडेंटिटी लॉ होता है। ए यूनियन ऑफ यू, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है फ्रेंड्स, तो वो यू होता है। और अगर ए सबसेट ऑफ सी एट बी सबसेट ऑफ सी, फ्रेंड्स इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए सबसेट ऑफ सी है एंड बी सबसेट ऑफ सी है। ये एक हमारे पास सी है ये, और ये इसका सबसेट है सी का, बी भी इसका सबसेट है सी का। अभी ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कॉमन भी हो सकते हैं, नॉन कॉ, मतलब इसमें कुछ इंटरसेक्शन में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। या इसको हम ऐसे बना लेते हैं, सॉरी ये हमारे पास पूरा जो है, हमको ये हमने ले लिया सी, ये है और ये बी है, तो उस कंडीशन में क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, सॉरी ए सबसेट ऑफ सी एंड बी सबसेट ऑफ सी है, तो इसका यूनियन जो होगा वो भी सबसेट ऑफ सी होगा, क्योंकि इसका यूनियन क्या है, ये अंदर ही आया है इसके, तो इस कंडीशन में ये भी इसका सबसेट होगा। उसके बाद हमारे पास ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और थर्ड है इसका एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है।